रामपुर में एक दुल्हन मतगणना स्थल पर पहुंच गई। उसकी शादी की रस्में चल रही थी। इसी बीच चुनाव में जीत की खबर भी आ गई तो दुल्हन अपने आप को रोक न सकी और दुल्हन के लिबास में ही मतगणना स्थल पर पहुंच गई। दरअसल रामपुर के मिलक इलाके के ग्राम मोहम्मदपुर जदीद की पूनम पुत्री गंगा सरन की शादी ग्राम बफरी थाना शाही बरेली में हो रही थी। उन्होंने इस चुनाव में बीडीसी 601 मत प्राप्त किए। प्रतिद्वंदी शकुंतला को 31 मतों से पराजित किया। जीत की खबर सुनकर वो मंडप घर से ही आ गई। उसकी जयमाला से पहले की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी। जीत का समाचार सुनकर मंडप से सीधे मतगणना स्थल पर पहुंचे और जीत का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। पूनम बीडीसी चुनी गई हैं। पूनम ने कहा कि आज उनकी शादी है, सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ वरमाला पहनाना बाकी है। पूनम की शादी उनके गाँव में ही हो रही है। पूनम बताती है कि ये पल वो कभी नहीं भूल सकती। जी क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं आप? आज आप मतगणना स्थल आई हैं, आज 15 चुनाव का मतगणना चल रही है मंडी में, तो आप क्यों आई हैं? आप छत्तीस के चुनाव जीती हैं? बीडीसी के चुनाव जीती हैं आप? जी। अच्छा, हम देख रहे हैं आप पूरी दुल्हन के रूप में सजी हुई हैं पूरी, तो ये क्या है आपका? ये आज हमारी शादी है आपकी। अच्छा, तो क्या हुआ शादी में, क्या क्या रस्में पूरी हो चुकी हैं अभी तक आपकी? सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं, जयमाला पढ़नी बाकी। अच्छा, जाना नहीं पड़े अभी जी। तो क्या आप क्या करेंगी आप यहाँ से? प्रमाण पत्र यहाँ क्या करने आई हैं आप? मैं पर्स लेने आई हूं। इसके बाद क्या करेंगी फिर आप? जी, घर जाके शादी होगी पूरी। अच्छा, शादी जो विवाह समारोह चल रहा है कहाँ चल रहा है? गाँव में चल रहा है, घर पे। अच्छा, तो क्या ऐसा आपको लग रहा है कि एक तो आपकी शादी है और आप छह दिन का चुनाव भी जीत गई हैं, कैसा आपको लग रहा है? तो क्या ये आपके लिए, क्या ये एक शायद आपकी शादी है, आप ये चुनाव भी जीत गई बीटीसी का, तो किस तरीके से आपके लिए ये एक उपहार होगा? किस तरीके का उपहार आपके लिए? नहीं, कैसे यादगार पल बनाएंगे आप? ये कभी नहीं भूल सकती हूँ, कभी नहीं। रामपुर से अफ़ान अहमद, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।